हेलो स्टूडेंट्स, ये सीखें कि इस पिरामिड को कैसे प्रिंट करना है। जैसा कि हमने पहले भी पिरामिड प्रिंट करने के तरीके में बताया कि जब भी आपको कोई पिरामिड प्रिंट करना है तो आप थर्ड लाइन से रफ टास्क में स्टार्ट करना शुरू करें। तो यहाँ पे हम 3 2 1 ले रहे हैं थर्ड लाइन से। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो इस तरह से 3 2 1 प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कर सकते हैं, और इसे फॉर लूप के साथ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लूप को चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 3, 3 से चलेगा और 1 तक चलेगा हमारा लूप, और प्रिंट एफ स्टेटमेंट आई की वैल्यू को प्रिंट करेगी 3 2 1 3 2 1। फिर हमें नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल को लेके जाना है, तो प्रिंट एफ स्लैश एन जो है वो अगली लाइन पे कंट्रोल को ले जाता है आउटपुट स्क्रीन पे। और फिर हमें 4 3 2 1 प्रिंट करना है, तो हम 4 3 2 1 को प्रिंट करना चाहे तो इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है कि लूप इस्तेमाल कर लें, कि बार बार लिखने की बजाय हम फॉर लूप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फॉर लूप हमारा यहाँ से 4 से 1 तक चलेगा, और इसी तरह आगे हमने 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है, तो हमें फिर से कंट्रोल को अगली लाइन पे ले जाकर 5 4 3 2 प्रिंट करना है। और इस तरह से फिर एक लॉन्ग कोडिंग है, हमें बार बार प्रिंट एफ लिखना पड़ रहा है, तो इसका शॉर्टकट हम कर लेते हैं 4 के साथ। तो वाई टू राइट प्रिंट एफ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन क्यों लिखना प्रिंट एफ को। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ जो बार बार लिखना पड़ रहा है वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर से करें तो हम आसानी से ये प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें बहुत सारी लाइंस इस तरह से प्रिंट करनी है, 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1, अगर ऐसे अलग अलग लाइनें प्रिंट करनी है तो हमें बहुत सारे फॉर लिखने पड़ेंगे। तो इसका भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं। कैसे शॉर्टकट करना है देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको 3 4 5 जो है यही एक अलग प्ले अलग लिखा हुआ है, बाकी सारी कोडिंग सेम है हर एक ग्रुप में। ओनली ये फॉर से लेके प्रिंट एफ स्लैश एन तक की कोडिंग सारी सेम है, सिर्फ फर्क कहाँ पे है, इक्वल टू 3 वाली जगह पे फर्क है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टकट करें तो आप देख रहे हो कि यहाँ से हम अगर रिमूव करते हैं और यहाँ हम वेरिएबल लिख देते हैं, और वेरिएबल लिखने से अब हमारे पास सारी कोडिंग सेम हो चुकी है। जितनी बार भी हमने लिखा 3 लाइनें प्रिंट की हैं तो 3 बार अब कोडिंग सेम हो चुकी है। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी थी स्टार्टिंग में, 3, फिर 4 होनी चाहिए, फिर 5, एक एक बढ़ रही है, तो वी वेरिएबल को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा, वी इक्वल टू वी प्लस 1 करके। और अब हमारी कोडिंग सेम हो चुकी है, अब हम जितनी भी लाइनें प्रिंट करना चाहें तो एक ही फॉर के ग्रुप से प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि अब हमारे ग्रुप जो है हमने 3 हाईलाइट कर दिए हैं, 3 बार हमने प्रिंटिंग की थी 3 2 1 को पहले प्रिंट किया था फॉर लूप से, फिर हमने 4 3 2 1 को किया, फिर हमने 5 4 3 2 1 को किया। तो अब हमारी तीनों ग्रुप की कोडिंग सेम बन चुकी है। तो इसको हम बार बार लिखने की बजाय अब एक बार लिखेंगे, वो भी दूसरे फॉर लूप में, और ये हम लिख रहे हैं अनदर फॉर लूप में। हमने ये जो सेम ग्रुप ऑफ कोडिंग है एक बार लिख ली, और इसको कितनी बार चलाना है, जितनी बार आप लाइनें प्रिंट करना चाहते हो वो लूप ऊपर उसके लगा देना है हमने। तो इनर लूप जो है वो लूप लगाएंगे जो हम बार बार लिख रहे थे, और आउटर लूप हमारा उतनी बार ही उस काम को पूरा करेगा जितनी बार हम लाइंस प्रिंट करना चाहते हैं। पर यहाँ पे हमें वी की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि कितनी है, शुरू कहाँ से हो, तो वी की वैल्यू 1 से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम के बीच में हम ये सारी कोडिंग लिख देंगे, और इस तरह से हमारे पास ये पिरामिड प्रिंट होके आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हुए, नेक्स्ट डे नए पिरामिड के साथ सेम तरीके को इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे, ताकि आपको अच्छे से पिरामिड बनाने आए। तो सेशन को यहीं एंड करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।